टीकमगढ़ में बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बिसाहूलाल साहू के द्वारा क्षत्रिय समाज की महिलाओं के साथ अभद्र भाषा एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर समूचे प्रदेश में क्षत्रिय समाज की महिलाओं में रोष व्याप्त है। जिसको लेकर क्षत्रिय समाज की महिलाएं जगह जगह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल साहू का जमकर विरोध करने में जुटी है। इसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिले के गांधी चौराहे पर राजपूत कर्णी सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल के लिए पहले मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बीस चौराहे पर बिसाहूलाल साहू का पुतला दहन किया। कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि यदि बिसाहूलाल को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे देश में क्षत्रिय समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पुतला दहन में राजपूत कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ क्षत्रिय समाज की महिलाएं मौजूद रही। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।